टेक फैमिली आज अनबॉक्सिंग करेंगे आईटेल A50 स्मार्टफोन की। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, मेरे पास जो वेरिएंट देखने को मिलेगा 3GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट देखने को मिल जाता है। वैसे ये स्मार्टफोन आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिल जाता है अमेज़न पे, ठीक है। अगर कलर की बात करूं तो ये स्मार्टफोन आपको चार कलर में देखने को मिलेगा, लेकिन अमेज़न पे आपको दो कलर देखने को मिल जाते हैं। जो कलर आपको अच्छा लगेगा आप उस कलर की ओर जा सकते हो। अनबॉक्सिंग करेंगे इस स्मार्टफोन की, देखते हैं स्मार्टफोन कैसा है कैसा नहीं है, बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर बॉक्स की बात करूं तो आपको सामने की ओर से आपको बैक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन की, A50 की बैचिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाता है एंड फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल जाती है। अगर आप 100 डेज को यूज़ करते हो, 100 डे में से अगर आपकी डिस्प्ले ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो रिप्लेस करके देंगे, जो कि प्लस पॉइंट है। मतलब इसका बजट ना आपको 6500 के प्राइस रेंज में आपको ये चीज़ कोई और स्मार्टफोन प्रोवाइड करके नहीं देता। स्पेसिफिकेशन की हाइलाइट्स वगैरह पढ़ लेते हैं। ये रहे हमारे हाइलाइट्स। तो 6.6 इंच के साथ HD प्लस डिस्प्ले है, 8GB रैम, वर्चुअल रैम इसमें देखने को मिल जाती है, 8 MP का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी होने वाली है, T603 इसमें ऑक्टा कोर CPU होने का एंड साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। ये दो कलर्स में आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा Amazon पे, लाइम ग्रीन एंड ब्लैक कलर में। मेरे पास लाइम ग्रीन कलर देखने को मिले जाएगा। अभी करते हैं अनबॉक्सिंग की स्मार्टफोन की। वेट, ब्लरी हो गया ना। तो अनबॉक्सिंग करते हैं स्मार्टफोन की। वैसे बॉक्स ओपन ही है अभी मेरा, तो यहाँ पर रखते हैं। ये डिमांडिंग वीडियो है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक लड़के ने कमेंट किया था कमेंट सेक्शन पे कि मेरे को आईटेल A50 के बारे में बताना। तो ये रहा हमारा स्मार्टफोन बाद में देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर बॉक्स की बात करूं तो यार ये बॉक्स अच्छा नहीं खुल रहा है। ऐसे केस, यूज़र मैनुअल, ये रही हमारी केबल एंड अडैप्टर, ये रहा हमारा सिम इंजेक्टर पिन यहाँ पर, ठीक है। इसको साइड में रखता हूँ बिकॉज वीडियो में ये गंदा लगता है बॉक्स, ऐसे रख देता हूँ यार। तो स्टार्ट करते हैं हम केबल एंड अडैप्टर से। तो अच्छी बात ये है कि आपको अडैप्टर एंड केबल दे रहे हैं। कई स्मार्टफोन में आपको केबल एंड अडैप्टर मिलता नहीं है। क्वालिटी अच्छी होने वाली है, अडैप्टर की क्वालिटी भी सही है एंड केबल की क्वालिटी वगैरह भी ठीक होने वाली है। एंड ये टाइप सी देखने को मिलेगा, USB टू टाइप सी आपको केबल देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन में। साइड में रखने लगा हूँ अभी इनको भी। ये रहा हमारा आईटेल का वारंटी कार्ड एंड यूज़र मैनुअल, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, लेकिन इसको डब्बे में रख लेना। वैसे ऑनलाइन गारंटी बोलती होती, लेकिन फिर भी आपको स्मार्टफोन में इसको रख लेना अच्छी बात है। ये रहा हमारा कस्टमर डिटेल वगैरह, यहाँ पर फिल आउट वगैरह करते हैं जब कोई दिक्कत आती है स्मार्टफोन में। इसको भी साइड में रखने लगा हूँ। ये रहा हमारा केस की क्वालिटी चेक आउट करेंगे कि क्वालिटी कैसे होने वाली है। और भाई आप लुक देख सकते हो यार। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ब्लैक कलर में केस दिया है, तो ये ना येलो नहीं बनने वाला, तो आपका टाइम निकाल देगा, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा एक कवर के लिए। कवर की क्वालिटी सच में अच्छी होने वाली है। मतलब 6500 के प्राइस रेंज का ये स्मार्टफोन है, इतने बजट रेंज में आपको कवर अच्छा दे रहे हैं। आपको आफ्टर मार्केट बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार। अंदर से भी बहुत अच्छा है भाई, ये मेरे को पसंद आया वैसे, सच बताऊँ तो। ये लुक डिज़ाइन वगैरह भी इसको थोड़ा सा एनहांस ज़्यादा करता है। जब आप ऐसे कवर लगा कर स्मार्टफोन को रखोगे तो वो अच्छा लगेगा लुक वगैरह यार। साइड में रखते हैं भाई इसको मैं अच्छे नंबर दे सकता हूँ। अभी स्मार्टफोन में आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा स्मार्टफोन लाइम ग्रीन कलर में, लाइमन कलर में कह सकता हूँ, ठीक है। अब ये डम्मी लग रही है ना ऐसे, तो हमारे ऋतिक भैया जी सामने है। टाइप सी 10W के साथ आपको चार्जर मिलेगा, साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, 8GB वर्चुअल रैम मिल जाती है, 3GB रैम है वैसे, 5GB रैम वर्चुअल मिल जाती है, 64GB रोम देखने मिल जाती है, मतलब स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ओवरलुक की बात करते हैं तो आपको सामने ऊपर की साइड यहाँ पर कैमरा देखने को मिल रहा है, अभी आपको शो हो रहा होगा ये रहा। एंड उसके ऊपर आपको स्पीकर्स देखने को मिल रहा है, स्पीकर बड़ा है यहाँ पर। अभी बैक की बात करते हैं तो बैक में आपको, अभी मेरे को लुक नहीं अच्छा लगा यार, ये गंदा लग रहा है। ठीक है, दो कैमरे अगर आपको जैसे रियलमी के स्मार्टफोन्स आते हैं आपको वैसा लुक देखने को मिल जाता है। ऑसम डिज़ाइन बाय आईटेल, लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ओवरलुक की बात करते हैं तो आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है या पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। नीचे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेंगे, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm जैक एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है सिम इंजेक्टर ब्रेक। शो नहीं हो रही आपको अभी देखना, फोकस नहीं किया था इसने यार अच्छी तरह से, अभी फोकस कर लिया है, अभी देख सकते हो। तो करते हैं फिर इसकी भी रीबूट करते हैं भाई स्मार्टफोन को। इसको ओपन कर लिया हमने, साइड में रखते हैं भाई इसको। रितिक भैया आ गया भाई। तो
अगर सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगा ना तो उस वीडियो को स्किप करूँगा, फिर समझ लेना भाई, ठीक है। तो ठीक है भाई, स्मार्टफोन हमारा रीबूट हो गया है। मैं आपको सच बताऊँ ना यार, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को अच्छी लग रही है, लुक डिज़ाइन वगैरह अच्छे हुए हैं, एंड ये जो एप्लीकेशन वगैरह की आपको एप्लीकेशन मिल रही है ना, ये अच्छी लुक वगैरह दे रही है यार। एंड स्मार्टफोन इतना हैवी नहीं लग रहा मेरे को, पता नहीं क्यों हैवी नहीं है स्मार्टफोन यार। अभी हम चलते हैं इसके सिस्टम में। बॉक्स सेक्शन कहाँ पर है यार इसका? सिस्टम अपग्रेड माई फोन, ये रहा। तो एंड्रॉयड 14 पे ये स्मार्टफोन बेस्ड होने वाला आप सभी के सामने है। यार ये येलो क्यों पड़ जाती है स्क्रीन, मेरे को पता नहीं। इसको यहाँ पर रखता हूँ एंड इसको रखता हूँ यहाँ पर, आई थिंक अभी नहीं होगी। हाँ अभी ठीक है थोड़ा सा। तो एंड्रॉयड 14 पे बेस्ड होने वाला है, यूनिकॉर्न T603 CPU देखने को मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल के साथ आपको कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल के साथ रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाती है। ओके जी, 5000 mAh की बैटरी है। जो इसकी डिस्प्ले है ना वो आपको 6.6 इंच के साथ IPS LCD देखने को मिलेगी, 480 nits ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाती है। एंड 4 कलर में अवेलेबल देखने को मिलेगा, प्रीमियम डिज़ाइन लुक वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। एंड प्लस पॉइंट मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 6500 का बजट का ये स्मार्टफोन होने वाला है, लेकिन फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। अगर 100 डे में कोई भी चीज़ स्मार्टफोन को मतलब डिस्प्ले के रिलेटेड हो जाती है तो दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, भी आप रिप्लेस करवा सकते हैं। एंड वर्चुअल रैम देखने को मिल जाते हैं। तो गेमिंग के लिए तो ये स्मार्टफोन नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने कोई सीनियर सिटीजन को ये स्मार्टफोन गिफ्ट करना है, या अगर आपने दादा दादी, या अगर आपने मॉम डैड को अपने देना है ना ये स्मार्टफोन, या आप स्मार्टफोन दे सकते हो। इंस्टॉल एप्लीकेशंस ठीक है, ये आपको गूगल की ओर से ही देखने को मिल जाती है। फाइल्स होगी, ड्राइव होगी, फाइंड फोन वगैरह हो गया, गैलरी होगी, कोई इतनी ज़्यादा प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन नहीं देखने को मिल रही। रिस्पॉन्स टाइम भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन सही है भाई, बजट के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन सच में अच्छा है। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, एंड इसके जो आइकन्स वगैरह आ रहे हैं ना एप्लीकेशंस के, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं स्मार्टफोन में। आईटेल वालों ने अच्छा काम किया है। अगर दिवाली फेस्टिवल में ये स्मार्टफोन मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी 6400 के प्राइस रेंज में अवेलेबल देखने को मिलता है अमेज़ॉन पे, लेकिन अगर आपको दिवाली फेस्टिवल में ये स्मार्टफोन 5600 या 700 के प्राइस रेंज में मिल जाता है, मतलब 6000 से कम बजट रेंज में मिल जाएगा ना यार, तो स्मार्टफोन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, स्मार्टफोन अच्छा है भाई। गेमिंग के लिए नहीं कह सकता, लेकिन डिस्प्ले अगर आपने कंटेंट वगैरह देखने हैं आपके लिए अच्छा होगा। कैमरा क्वालिटी चेकआउट कर लेते हैं, मैंने कैमरा चेकआउट नहीं किया यार। अबे वाह, इसने देखते हैं अबे फोटो आप खुद देख सकते हो, मतलब धूप में अच्छी फोटोज़ वगैरह क्लिक आउट करेगा। अगर आपको फोटोज़ वगैरह के लिए रिलेटेड भी चाहिए तब भी मैं आपको कह सकता हूँ, बिग बैटरी 5000 mAh की बैटरी एक दिन तो नॉर्मल ही निकाल देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, अनबॉक्सिंग मैंने आपको इस स्मार्टफोन की करके बता दिया। आई होप कि अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना यार, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे मत जाना, बिकॉज मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइबर्स चाहिए, अभी सब्सक्राइबर्स आ नहीं रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ अपने स्मार्टफोन ऐसी वीडियोस वगैरह लेकर आता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो चेकआउट कर लिया करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।